हाय गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉमेडी चैनल शो पर। आप लोग मज़े में होंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दो पाकिस्तानी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उनमें से एक पाकिस्तानी बोला, भाई ये चैन खींचने से क्या होता है? तो दूसरे वाले ने बोला कि भाई चैन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी और 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो पहले वाले ने बोला, भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो दूसरे वाले ने बोला कि मेरे पास भाई 200 रुपए हैं। तो फिर पहले वाले ने बोला कि मेरे पास 300 रुपए हैं। अब दोनों ने मिल करके चैन खींच दिया। चैन खींचा जैसे ट्रेन रुक गई, और साइड में एक इंडियन भी बैठा हुआ था, साइड में एक भारतीय भी बैठा हुआ था। अब पुलिस आई, पूछने लगी किसने चैन खींची। उन दोनों ने उसी तरफ इशारा कर दिया, भारतीय की तरफ, इसने खींची है। क्यों तूने चैन खींची? सर मुझे इन लोगों ने धमकी दी, बहुत डराया और मेरे 500 रुपये छीन लिए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इनके पास 200 रुपये हैं, इनके पास 300 रुपये हैं। अब पुलिस ने पूरी तलाशी ले ली। अब पुलिस ने तलाशी ली तो इनके पास 200, एक के पास 300 निकले। अब पुलिस ने उन दोनों पाकिस्तानियों को हवालात में बंद कर दिया, और वो जो 500 थे वो भारतीय को दे दिया। अब समझ में आया पाकिस्तानियों कि बाप तो बाप ही रहेगा। एक इंग्लिश का प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा, सर बताइए नुटरे का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? तो उन्होंने टाल दिया, वक्त टालने के लिए बोले कि कल बता दूंगा। फिर जब वो कल पहुंचे, फिर स्टूडेंट ने पूछ लिया, सर आप बताए नहीं थे कि नुटरे का क्या मतलब होता है? फिर उसने प्रोफेसर साहब ने आए डिक्शनरी में पूरा मतलब ट्राई किया, पूरा छान लिया, नुटरे का कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई उसका माने ही नहीं। फिर उसके बाद फिर प्रोफेसर साहब तीसरे दिन मिले, सर आपने बताया नहीं था। अब प्रोफेसर साहब को इतना टेंशन दे दिया इस स्टूडेंट ने नुटरे के मतलब में। अब प्रोफेसर साहब एकदम उलझने पड़ गए। अब जैसे उलझने पड़े, उस बच्चे को बुलाया, स्टूडेंट को, क्या अच्छा तू स्पेलिंग बता नुटरे की। बोला सर NATURE। प्रोफेसर साहब एकदम पागला गए। अबे पागल बेवकूफ, NATURE नेचर होता है, नेचर। तूने मुझे एक हफ्ते से परेशान कर दिया, मैं तुमको प्रिंसिपल साहब से शिकायत करके तुमको इसी वक्त निकलवा देता हूँ। अब स्टूडेंट ने प्रोफेसर साहब का पैर पकड़ लिया, सर मुझे निकलवाइए। मैं एकदम रोने लगा, रो रो के बोलने लगा, सर आप मुझे अगर निकलवा दिए तो मेरा फुटरे बिगड़ जाएगा। अब प्रोफेसर साहब बहुत परेशान हो गए, अभी तुमको समझ में नहीं आता, अबे फ्यूचर होता है, फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा, फ्यूचर बिगड़ जाएगा। पंजाब रोडवेज बस जा रही थी, कंडक्टर बोला आपको कहाँ जाना है सर? अब केजरीवाल जी बोले मुझे अमृतसर जाना है, और साइड में मोदी जी बैठे हुए थे। मोदी जी बोले एक जोर का थप्पड़ दूंगा, श्री अमृतसर साहिब नहीं बोल सकते क्या? साइड में सोनिया जी भी बैठी हुई थी। अब कंडक्टर सोनिया जी के पास आए, बोला आपको कहाँ जाना है? सोनिया जी तो पहले से ही डरी हुई थी। अब सोनिया जी बोली मुझे श्री चंडीगढ़ साहिब जाना है। मोदी जी बोले एक जोर का थप्पड़ दूंगा, क्या चंडीगढ़ में तुम्हारे बाप की शहीदी हुई है क्या? चंडीगढ़ साहिब बोल रही। फिर कंडक्टर राहुल जी के पास पहुंचे, सर आपको कहाँ जाना है? राहुल जी भी बोले भाई ये पैसे लो, जाकर के मोदी जी से पूछ लो। कंडक्टर बोले एक जोर का थप्पड़ दूंगा,
मोदी के आगे पीएम कौन लगाएगा? तेरा बाप लगाएगा? एक पत्नी सज की आई, अपने पति से बोली, जानू मैं आपको कैसी लग रही हूँ आज, कैसी दिखती हूँ? पति भी बोले, आज तो दिल करता है कि दूसरे ले जाकर पाकिस्तान के काम। पत्नी बोली, अच्छा यानी मैं एकदम बम लग रही हूँ, बम। तो सो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम आपको ऐसी नई नई वीडियो आपको देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।